नहीं नहीं इनू इनका असल नाम कांग्रेस के जो पीसीसी प्रेसिडेंट है इनका नाम है आरएसएस अन्ना। ये आरएसएस से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी सियासी जिंदगी का उनका उन खत्म करेंगे। उन आरएसएस को छोड़ने वाले नहीं है। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन उसको मोहन भगवत कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी जबान से जो नफरत निकली है कुर्ता पैजामा शेरवानी सर पे टोपी दाढ़ी ये आरएसएस की जबान है, ये गोलवालकर की जबान है, ये हिटलर के नाजिज्म की जबान है। और पहला जो माइनॉरिटीज पर हमला होता उनके कपड़ों पे होता हेट स्पीच के जरिए, दूसरा फिर उनके जिस्म पे हमला होता है। तो ये उनकी निशानी है, ये इनकी पहचान है। तो ये आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का आदमी रहेगा और ये नफरत करता है। मैं पहले भी कहा हूं कि नफरत करता है जिस जिसके चेहरे पे दाढ़ी है सर पे टोपी है। तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि हमको कुर्ता पैजामा शेरवानी पहले वोट नहीं चाहिए। अरे तुम आरएसएस से आए और तुम शेरवानी की बात कर रहे। इंदिरा गांधी हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स को आई थी शिवशंकर साहब के बाई इलेक्शन में, जब शेरवानी से आके मदद पूछे तुम, तुम्हारा न्यूक्लियर डील हुआ तो तुम शेरवानी तुम्हारा दाढ़ी रखने वाला तुम्हारा साथ दिया। आज हमको आप रजाकारों से जोड़ रहे हैं। अरे तुमको तारीख नहीं मालूम, तुम कमजोर है हिस्ट्री में, पढ़ो कभी। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज ठहर कर तुम्हारे जैसे आरएसएस के लोगों में आंख डाल के लड़ रहे और इंशाअल्लाह तेलंगाना की आवाम आरएसएस अन्ना को हराएंगी।